आज हम लोग का टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। इशू क्या होता है, इशू कब फ्रेम किए जाते हैं और इशू कौन फ्रेम करता है, आज हम ये सीबीसी के अंदर आज ये टॉपिक पढ़ेंगे और समझेंगे। इशू जनरली होता है मटेरियल प्रोपिगेशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ अफर्मेड बाय वन साइड एंड डिनाइड बाय अदर साइड। जब एक बंदा किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है तो दूसरा उसको डिनाई करता है, उस इल्जाम को डिनाई करता है तो क्या राइज होगा, इशू राइज होगा। इशू को वो मटेरियल प्रोपोजिशन क्या है, मटेरियल प्रोपोजिशन वो है जो अपने केस को साबित करने के लिए, अपने एविडेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए वो इस्तेमाल होता है, उसे हम मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट कहते हैं। मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ जो एक बंदा कहता है दूसरा उसको डिनाई करता है तो हम उसको इशू कहते हैं। एक एग्जांपल तरीके से समझते हैं कि ए ने केस फाइल किया है अगेंस्ट बी कि मैंने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। बी रिटन स्टेट में फाइल करता है अदालत में कि जो ए ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो इलीगल और वाइड है और नॉट एनफोर्सबल बाय लॉ। तो अदालत उसको देता है जो इशू जो बी ने रिटन स्टेट में लिखे हैं वो सही है या कि गलत है, वो डिनाई करता है। तो कोर्ट उसको देखता है तो कोर्ट उसी में से इशू फ्रेम करता है कि कौन सही है और कौन गलत है, डिटरमाइन करता है। सबसे मेन मकसद इशू का, फ्रेम ऑफ इशू क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट, इसका मकसद क्या होते हैं, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। जो डिस्प्यूट होते हैं, जो कंट्रोवर्सी होते हैं बिटवीन पार्टीज, तो कोर्ट डिटरमाइन द इशू किसका राइट है और किसकी इशू। इसको रिलेवेंट लॉ की अगर हम देखें तो ऑर्डर 40 ऑफ सीपीसी इसको डील करता है। ऑब्जेक्ट कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टी, जब दो बंदों का डिस्प्यूट होता है, एक बंदे और दो बंदे का आपस में डिस्प्यूट होता है, एक का अगेंस्ट बी के साथ और बी का अगेंस्ट ए के साथ होता है, तो इशू फ्रेम किया जाता है, कंट्रोवर्सी देखा जाता है, उस मसाल को हल किया जाता है, उसका रिजोल्यूशन किया जाता है, उसको कंक्लूड किया जाता है। तो इसका मेन मकसद ये है कि उसी इशू को डिटरमाइन किया जाए। इशू के कितने काइंड्स, जनरली इशूज के दो काइंड होते हैं, एक इशू ऑफ फैक्ट होता है और इशू ऑफ लॉ होता है। इशू ऑफ फैक्ट वो होता है जो एविडेंस के बिना पर उसको प्रूफ किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इशू ऑफ फैक्ट। जो इशू ऑफ लॉ जिसको कानून के मुताबिक फैसला किया जाए, अदालत फैसला करे, उसको हम इशूज ऑफ लॉ कहते हैं। ये इशूज ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट है, ये अदालत का डिस्क्रिशन। मटेरियल फॉर विच इशूज आर फ्रेम, कौन कौन से मटेरियल हैं जिसमें इशूज फ्रेम किए जाते हैं। नंबर वन, एलिगेशन मेड ऑन ऑथ, किसी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है, जो एलिगेशन है वो मेड ऑन ऑथ, उसने ओथ के जरिए या कसम के जरिए उसने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है, वो मटेरियल फॉर विच इशू फ्रेम। एलिगेशन मेड ऑन प्लीडिंग, प्लीडिंग हम किसे कहते हैं, प्लीडिंग हमने पढ़ा है ऑर्डर सेक्शन में, प्लीडिंग मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। जब कोई बंदा एलिगेशन लगाता है प्लीडिंग में, प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में, उसको हम प्लीडिंग कहते हैं, वो जो इल्जाम लगाता है उसी में। दूसरा, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, जिसमें किसी तहरीरी तौर पर उसने एलिगेशन लगाया है या किसी इल्जाम लगाया, वो देखता है कि मेरा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये मेरे पास कॉन्टेंट है और ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसमें भी मटेरियल देखा जाएगा और इशू फ्रेम किया जाएगा कोर्ट। तो सबसे एग्जामिन विटनेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर इशू। अदालत को ये पावर है, अदालत को ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इशू एग्जामिन कर सकता है किसी विटनेस को, किसी गवाह को या किसी डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया जा सकता है, ताकि जो क्लियरिटी है इशू में वो क्लियर हो जाए। बिफोर इशूज और बिफोर पास ऑफ डिग्री, डिग्री पास करने से पहले अदालत गवाह को या किसी डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया जा सकता है। अदालत इसके बाद पावर टू अमेंड स्ट्रक आउट ऑफ इशूज। तो हम लास्ट में ये देखते हैं कि पावर टू अमेंड स्ट्रक आउट इशू मे बी फ्रेम ऑफ एडिशनल एविडेंस। अदालत के पास ये भी पावर है
कि बिफोर डिक्री पास्ट अदालत किसी एडिशनल इशू और एडिशनल एविडेंस फ्रेम किया जा सकता है, अगर कोई इशू में फ्रेम किया गया है तो उसको अमेंड कर सकता है, उसमें तरमीम ला सकता है या उसको खारिज कर सकता है, स्ट्रेक आउट कर सकता है, या कोई एडिशनल एविडेंस है उसी के एविडेंस भी ले सकता है। थैंक यू।